जी हजरत, नाम अपना? मोहम्मद अफरोज जी। कहाँ से तशरीफ लाए आप? हैदराबाद से। यहाँ सरकार की बारगाह से ये फल लेकर गए थे? जी। क्या कहना चाहेंगे? मेरे आपा को और जीजू को लड़की हुई थी 2 साल पहले, यहाँ से मन्नत मांग के लेके गए थे फल, उसके हिसाब से मेरा आपा और जीजू को हुआ था। ये मेरा लड़का है। आपको इसी फल से हुआ? हाँ, इसी फल से। क्या नाम रखा लड़के का? लड़की का। लड़की का मुस्कान, मोहम्मद मुस्कान। लड़के का? क्या लड़का है इनका? अच्छा, क्या लड़के का क्या नाम है? मोहम्मद मुस्कान फातिमा। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले जायरीन के लिए जो लेकर जा रहे हैं? जो आप खुद ही जान लीजिए, जो हुआ है ना करामत से। सवाल जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? आप कुछ कहना चाहेंगे आने वाले जायरीन के लिए? नवासी है बेटी के लिए या इसके? अच्छा, इनके लिए आए यहाँ पर। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए यही भाई हैं कि जिनको औलाद हुई सरकार की बारगाह से, और एक भाई को लड़की और एक भाई को लड़का। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। यकीनन सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवा रहमतुल्लाह अलैह मशहदी का दरबार वो दरबार है कि जहाँ पर बिन मांगे लोगों को अता हो रहा है। परवरदिगार आलम जिस तरह इनको दौलत औलाद अता फरमाई है, इसी तरह हर आने वाले को जो बे औलाद है सरकार की बारगाह से इस पेड़ का फल लेकर जा रहे हैं। सरकार मीरा सैयद हुसैन खिंग सवा रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के सबसे में साहिब औलाद कर तमाम आने वाले आशिकीन की तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। परदेश में इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, साथ खैरियत के अपने वतन को पहुँचाए। जो लोग सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवा रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह में अब तक हाज़िरी नहीं दे पाए हैं, परवरदिगार आलम जल्द अज जल्द उन सबको तौफीक इनायत फरमाएँ कि वो भी सरकार की बारगाह में हाज़िरी पेश करें। खुदा हाफिज़।